हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पर आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो करने वाला हूँ रियलमी 5 प्रो वर्सेस वीवो Z1 प्रो का। सो गाइस, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वीवो का जो Z1 प्रो है गाइस, वो काफ़ी बेटर स्मार्टफोन था, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था अपने प्राइस के हिसाब से। उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते, जैसे कि 5000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा, जैसी बहुत सारी होल पंच, ऐसे बहुत सारे फीचर के साथ में स्मार्टफोन आया था और मार्केट में काफ़ी तहलका मचाया था। लेकिन गाइस, यहाँ पर रियलमी ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर के साथ में आता है। उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो शायद Z1 प्रो के अंदर आपको देखने को ना मिले। सो गाइस, यहाँ पर मैं इन्हीं दोनों का स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ, रियलमी 5 प्रो वर्सेस वीवो Z1 प्रो। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज़ की। तो यहाँ पर जो रियलमी 5 प्रो का जो डिस्प्ले साइज़ है गाइस, वो है 6.38 इंचेस, तो वहीं पर वीवो Z1 प्रो का जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.53 इंचेस। यहाँ पर बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर जो Realme 5 Pro है गाइस, उसके अंदर आपको फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाती है, और Vivo Z1 Pro में गाइस आपको फुल HD प्लस IPS स्क्रीन मिल जाती है। और बात करें इनकी स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पर जो Realme 5 Pro है और Vivo Z1 Pro है, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाती है। जो बेस वेरिएंट है Realme 5 Pro का, वो है 464, और जो सेकंड वेरिएंट है वो है 664, और जो थर्ड वेरिएंट है 8128। Vivo Z1 Pro का जो बेस वेरिएंट है गाइस, वो है 464 एंड 6128। एंड बात करें गाइस यहाँ पर फाइनली इसके कैमरास की, तो यहाँ पर Realme 5 Pro है गाइस, इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि Realme का सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं पर Vivo Z1 Pro है गाइस, उसके अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो Vivo का Z1 Pro है, उसका जो प्राइमरी कैमरा गाइस, वो है 16 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड जो थर्ड कैमरा गाइस, वो है 2 मेगापिक्सल का। एंड गाइस, बात करते हैं Realme 5 Pro के कैमरा की, तो इसका जो प्राइमरी कैमरा गाइस, वो है 48 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा गाइस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जो टर्शरी कैमरा गाइस, वो है 2 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर जो चौथा कैमरा है वो भी गाइस 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड गाइस, बात करें दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमराज की, तो यहाँ पर जो Realme 5 Pro है, उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और Vivo Z1 Pro के अंदर गाइस आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी कैपेसिटी के दोनों स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पर जो Realme 5 Pro है गाइस, उसके अंदर आपको 4035 mAh की बैटरी मिल जाती है, और वहाँ पर जो Vivo Z1 Pro है, उसके अंदर गाइस आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी बैटरी है। फाइनली गाइस, बात करते हैं इनके प्रोसेसर की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर गाइस आपको स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर जो Vivo Z1 Pro है गाइस, वो भी मार्केट में स्नैपड्रैगन 712 के साथ में आया था इंडिया के अंदर, और जो चाइना का जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको 710 का प्रोसेसर मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन 712 हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पर Realme 5 Pro है, वो भी स्नैपड्रैगन 712 के साथ में आता है, तो प्रोसेसर के मामले में गाइस दोनों टाई हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। एंड गाइस, बात करें चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, तो यहाँ पर जो Realme 5 Pro है उसके अंदर आपको मिल जाता है VOOC 3.0 का सपोर्ट, जिससे कि आपको जो स्मार्टफोन है काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो जाएगा। गाइस, बात करते हैं Vivo Z1 Pro में, तो इसके अंदर गाइस आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपका स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के अंदर एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि चार्जिंग के लिए काफ़ी बेटर है। एंड फाइनली बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की, तो यहाँ पर जो Realme 5 Pro है गाइस, उसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 13,999, और जो सेकंड वेरिएंट गाइस वो है 14,999, और जो थर्ड वेरिएंट गाइस वो है 16,999। गाइस, बात करते हैं Vivo Z1 Pro के बेस वेरिएंट के प्राइस, वो है 14,999, और जो सेकंड वेरिएंट गाइस वो है 16,999, और जो तीसरा वेरिएंट गाइस वो 17,999। गाइस, यहाँ पर मैंने आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता दिए है, और आपने ये ऑब्जर्व भी कर लिया होगा अब तक कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी भी डाउट में है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, तो वो डाउट मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की, अगर आपका मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है कैमरा, तो आपको डेफिनेटली Realme 5 Pro को ही खरीदना चाहिए आग बन करके। लेकिन अगर आपको बैटरी अच्छा चाहिए, कि आपको बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाए, अच्छा खासा गेम वगैरह भी खेल लो और डे में पूरा चल भी जाए बैटरी, तो आपको डेफिनेटली Vivo के Z1 Pro को परचेस करना चाहिए। गाइस, ये दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस का, कैमरा का और बैटरी का बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो फीचर है लगभग सेम ही है। अगर आप लुक्स वाइज, डिज़ाइन वाइज जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली Vivo Z1 Pro को परचेस कर सकते हैं। उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर है, और जो Realme 5 Pro उसका भी जो डिज़ाइन है गाइस बैक का, वो भी काफ़ी बढ़िया है, डायमंड कट के साथ में आता है, उसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जो फ्रंट से जो डिज़ाइन है गाइस, वो थोड़ा ओल्डी टाइप का है, मतलब जैसे कि Realme 3 Pro के अंदर आपको मिल रहा था, कुछ उसी तरह का इसका डिज़ाइन है।
ओवरऑल देखा जाए गाइस, यहाँ पर जो Realme 5 Pro है वो प्राइस के मामले में बेटर है Vivo के Z1 Pro से। यहाँ पर जो इसकी जो प्राइस गाइस 1000 रुपये कम है एज़ कम्पेयर टू Vivo Z1 Pro से। उसकी जो प्राइस गाइस है बेस वेरिएंट की वो है 15,000, तो वहीं पर Realme 5 Pro की प्राइस जो स्टार्ट होती है गाइस वो है 14,000 रुपये। अगर आप 14,000 में एक क्वाड कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन चाहते हैं कैमरे के लिए, तो आपके लिए स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते कि आपको डिस्प्ले के अंदर आपको होल पंच का कैमरा मिले, बाकी आप 5000 mAh की आपको बैटरी चाहिए, बाकी गेमिंग वगैरह, तो दोनों में सबसे बढ़िया होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है गाइस वो गेमिंग के लिए काफ़ी बेटर है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। मैंने आपको सारे रिक्वायरमेंट्स बता दी कि आपको क्या किस चीज़ के लिए कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। सो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।